आंटी थोड़ा बोलो निश्चय भाई को, थोड़ा आगे ना जाए। मान लिया सबसे प्यारा इंसान है, पर थोड़ा कंट्रोल है, स्टेज पे सब गिर जाएंगे हम। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। What's up guys? आज हमने दिल्ली हार्ट में एक इवेंट रखा है, वॉच एंड स्पोर्ट फॉर फुकरा इंसान, अभिषेक की स्पोर्ट के लिए और ट्रिगर्ड इंसान का मीटअप है। और आज सच में मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मुझे सच में सुबह से इतनी नर्वसनेस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद ना एक इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं। शादी करी थी हमने प्रेरणा की, उस टाइम भी मेरे को बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि इतने गेस्ट आए थे तो मेरे को जैसे गेस्ट आ रहे थे मेरे को नर्वसनेस बढ़ रही थी। आज भी बस वही हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है मेरी हार्ट बीट फास्ट होती जा रही है। इवेंट होस्ट करने वाले ये देखो, हेलो मोपी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया था बड़े टाइम से, और जो मेन है इवेंट का होस्ट, इवेंट मैनेजर, तेरे भरोसे वो जा रहा है कि हाँ जासूस है तो ठीक है चल। निश्चय वैसे कभी वो करता नहीं है मीटअप वगैरह, ये सिर्फ अभिषेक को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है मीटअप, तो इसलिए फुल सपोर्ट कर दो। अभी हमारा एक इंटरव्यू भी होने वाला है तो उसके लिए मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद फिर वहां जाना है, फिर देखना है क्या होता है क्या नहीं। मैं रेडी हो गई हूँ, मलन साहब उधर बैठे हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा है, निश्चय का भी होना है अभी यहाँ पे। मलन साहब ये वो तो पढ़ देता है आला। ये इंटरव्यू हो रहा है कि मैं सही बात कह रही हूँ? आप ही ज्ञानी बाबा, सबको ज्ञानी बांटते रहते हो। हो रहा है भाई, हो रहा है इंटरव्यू, हो रहा है। वो इंटरव्यू लेने वाले तो चुप बैठे हैं। हो गया सबका इंटरव्यू, हो गया सबका इंटरव्यू, हो गया आंटी जी। और सारी तैयारी जैसी हो जाती है मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक टाइम बुलाएं से भीड़ को एक्साइटमेंट होगी ना तभी आपको बुलाऊंगा फोन करके, आवाज आना। प्रोटेक्ट कर लेना, तेरी जिम्मेदारी है। अरे परेशान मत हो, 22 बाउंसर है, 22 बाउंसर है। मेरे को ना बहुत डर लग रहा है, आपको हवा से ले जाएंगे, हवा में उछाल गिर गुर गई तो फिर। नहीं नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, फुल सेफ्टी है, वो कंधों पे बिठा रहे हैं बॉडीगार्ड यूं। तुम्हारे भरोसे पे हूं मैं। तो मैं रेडी हो गई हूं, और मलन साहब आर यू रेडी? यस ये देखो आई एम रेडी। मेरे साथ हमेशा ट्विनिंग क्यों करनी होती है, कॉपीकैट? ये मैं करता हूँ, तू करती है? भाई मैं पहले रेडी हुई थी, आप बाद में हुए हो। और एज ऑलवेज बाऊजी वॉशरूम में है, स्पेशल गेस्ट भी आ गए। आर यू रेडी? यस। जल्दी करो फिर, पापा पूछ रहे गाड़ी कौन सी लेके जानी है। जैगुआर ऑफ कोर्स। शुक्र है पापा ने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं वो ले ले। टोपी पहननी है तूने? ले लो भाई, मेरे बाल खराब हो जाते हैं फिर जरूरत पड़ती है। ये मीटअप तो यही होने लग गया है। और हम तो साथ लेके जा रहे हैं तुम्हें, असली सपोर्टर आंटी साथ ही रहेंगे ऑलवेज। हाँ जी। अरे जगवार फाइनली निकाली ली। मैंने ही निकाली आज, आज तूने ही निकाली है। ई रिक्शा पे वाला भी रिकॉर्ड कर रहा है, ट्रिगर्ड इंसान। अरे भाई ये सारा जाम लगा हुआ है ना, लिटरली वहाँ पे बस एक मिनट दूर है जिस लोकेशन पे जाना है, और पूरी की पूरी सड़क 15 मिनट से एज इट इज है जाम्ड, मतलब चल भी नहीं रहे, एज इट इज खड़े हुए हैं सबके सब, और राइट लेफ्ट में जितने लोग आ रहे हैं ना सारे रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं। ये अभी ई रिक्शा पे भाई रिकॉर्ड कर रहा था, इधर अभी गाड़ी वाले भी रिकॉर्ड कर रहे थे भाई, बीच में फंसे हुए हैं। मैंने कहा मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अभी हम गाड़ी में ही हैं और हमें यही रोक के जा रहे हैं भाई। अरे 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 आराम से आराम से आराम से। अंदर कैसे पहुंचोगे? ये तो यही बहुत मुश्किल से आगे आई हूँ, लेकिन निश्चय तो बिल्कुल स्टक हो गया, बिल्कुल आगे नहीं आ पा रहा। ओ क्रेजी क्राउड, माय गॉड, लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा भाई। भाई हमारा इवेंट है और हमें ही मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जा सकता भाई, सब कुछ होगा ना तो कुछ नहीं होगा।
निश्चय को तो वही स्टक कर लिया, कोई आने नहीं देगा। तब लोग निश्चय की वेट कर रहे हैं और निश्चय मतलब पता नहीं कहाँ फंस गया, लोग आने ही नहीं दे रहे। निश्चय भाई को थोड़ा आगे ना जाए, मान लिया सबसे प्यारा इंसान है पर थोड़ा कंट्रोल है, स्टेज पे सब गिर जाएंगे हम। आंटी आपके साथ फोटो खींचनी है, अब आप सेलिब्रिटी हो, ब्लॉग में मेरे को आए फुकरा इंसान भैया को वोट करो, बार बार के वोट करो, भाईचारा ऑन टॉप है, पर फुकरा भाई अपने विनर है दिल से, लव यू फुकरा भाई।
अभिषेक सपोर्ट बाय बाय क्या ही क्रेजी ऑडियंस पता नहीं कैसे निकला नोनू दुनियान तक गीली हो गई आगे तक हार के कैसा रहा एक्सपीरियंस मुझे याद भी नहीं कि मैं कब उतरा और कब अपनी गाड़ी में पहुंच गया कब गाड़ी से उतरा स्टेज पे पहुंच गया गाड़ी तुम चला के आए हो खुद हाँ मुझे याद नहीं मैं जैसी गाड़ी से उतरा उसके बाद नेक्स्ट थिंग आई रिमेम्बर मैं स्टेज पे पहुंच चुका था उड़ा उड़ा के पहुंचा दिया लोगों ने मेरे को चलना नहीं पड़ा नई टी शर्ट रेड कलर लग गया पता कैसे लगा मेरे को इतनी प्यास लग रही थी मैंने बोला पानी ला दे तो अथरी ने मेरे को एनर्जी ड्रिंक ला के दी मैं एनर्जी ड्रिंक पीने लगा इतने में ऑडियंस में से एक लड़का ऐसा उड़ते हुए आया लिटरली उड़ते हुए और ऐसा मेरे ऊपर पूरी एनर्जी ड्रिंक और मतलब करके मेरे ऊपर गिर गई वो नीचे गिर गया फिर मैंने कहा एनर्जी ड्रिंक छोड़ो मैंने उसको ऊपर उठाया मैंने कहा अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है मैंने उसको हग करा तो वो रोते रोते ऐसा गया फिर ये बता IIT और IIIT में जो तूने एक्सपीरियंस करा भाई वहाँ पे ना IIT में भी बहुत रश था लेकिन वहाँ पे ना सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स थे तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल्ड था कि कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनको कंट्रोल करने वाले भी कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे यहाँ पे ये ओपन था ना इसलिए एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हमने इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे इतना बुरा हाल हो गया बहुत यार ये पीछे से भी तेरी टी शर्ट सारी गंदी पड़ी है ये मुझे पता है कहाँ से लग गया क्या लगा घूसे वो अत्री करे हमें भी पड़े हैं वो जो साथ में मेरे थे उन सबके चपेड़े पड़ी हैं हाय मेरे घूसे पड़े हैं कैसा था एक्सपीरियंस ये बता भाई बस वो इतना प्यार इतनी सपोर्ट देख के तो मैं तो इमोशनल हो गया था स्टेज पे एक बारी को क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी और फिर इतने ज्यादा लोग थे थैंक यू आंटी और फिर वो ऐसा चेयर कर रहे थे ऊपर से इतनी गर्मी भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी मैं तो स्टेज पे बैठा और मेरा तो सच में एक बारी को तो रोना ही निकल गया देख के मैं भाई ये नहीं कभी एक्सपेक्ट किया था क्रेजी फैंस थैंक यू सो मच यार मतलब सीरियसली कोई वर्ड्स ही नहीं है ऑल आई कैन से इज थैंक्स सीरियसली मतलब इमोशनल हो गया मतलब इट्स लाइक वेरी ओवर अचीव करने वाली बात है कि मतलब ये तो कभी सोचा भी नहीं था ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये ऐसे कभी लोग इतना प्यार करेंगे ऐसा मतलब आई स्टिल रिमेम्बर जॉब छोड़ के ऐसा बस वीडियोस बनाता था घर से बैठ के और ये सोचता था कि बस यार घर से बाहर ना निकलना पड़े इसलिए वीडियोस बना लेते हैं एंड यार अपनी तरफ से तो हमने ट्राई करा कि इवेंट जो जितना बेस्ट हम कर सके वो करें एंड बहुत सारे बाउंसर्स थे बट इतने ज़्यादा लोग आ गए कि वो सिचुएशन फिर थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड होने लग गई थी तो इस वजह से मेरे को भी आधा पौना घंटा जल्दी उन्होंने वहाँ से निकाला क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वैसे तो मोस्टली सब कुछ अच्छा ही हुआ बट अगर कुछ कमी रह गई हो तो सो सॉरी गाइस वैसे तो सच्ची बताऊँ तो मेरे को मीटअप्स करने से डर बहुत लगता है लेकिन अभिषेक की सपोर्ट के लिए हमने ये करा तो उसको वोट करना एंड अगर अगली बार कभी हमने मीटअप किया फ्यूचर में वैसे तो बहुत कम चांसेस है पर अगर कभी करा मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे हैं तो वील ट्राई के इससे ज्यादा बेटर अरेंजमेंट हो जिन जिन के साथ मैंने तो वैसे अपनी तरफ से ट्राई करा सबके साथ फोटोज वीडियोस मतलब हम वहां से निकले ना उसके बाद गाड़ियां भी पीछे पीछे आ रही थी उनके साथ भी फोटोज वीडियोज बनाई मैंने लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ नहीं कर पाए एंड बहुत सारी फैन आर्ट्स भी मिली थैंक यू मैं कितना कुछ बोल रहा हूँ एक साथ में बस मैं यही कहना चाहता हूँ थैंक यू जो जो आए और जो नहीं भी आ पाए वैसे ही अभिषेक को वोट कर देना एंड लास्ट बस बिल्कुल लास्ट बहुत ज्यादा बोल लिया इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं और वो ये है कि अगर कोई कमी रह गई तो सॉरी वी विल ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम ना दिन लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क़ चेचना